हाय, आई एम डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रीटमेंट डॉक्टर। आज मैं आपको एक हेयर ट्रीटमेंट की बहुत ही खास और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं PRP। अगर हम हेयर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स के बहुत सारी चीज़ें हम हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए और कॉज और बहुत सारी उसके ट्रीटमेंट। PRP एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम किसी भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। इवन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी हम PRP कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ भी हम PRP कर सकते हैं और किसी भी डिसीज़ के साथ हम PRP थेरेपी दे सकते हैं। PRP क्या होता है? PRP मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें ब्लड में से हम 10 ml ब्लड लेते हैं पेशेंट का और 10 ml ब्लड लेके उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं। इस प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन होती है यूजुअली 8 to 10 times ज़्यादा होती है। और ये प्लेटलेट्स जो होती हैं इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एनर्जी का सोर्स होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो ये जैसे ही हम पेशेंट्स के स्किन में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये अंदर जाके हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करती है और अपने साथ बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स ले जाती है, जिससे हम हेयर्स को रिपेयर कर सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पेशेंट का अपना ही ब्लड होता है, इट्स ए पेशेंट ओन ब्लड, तो इसमें जब हम वापस इसके स्कैल्प में डालते हैं तो किसी भी तरह की इम्यून रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस इसमें नेग्लिजिबल होते हैं। अब हम इसको कैसे बनाते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। हम पेशेंट का 10 ml प्लाज्मा लेते हैं, उसको डबल सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से एक खास तरह की ट्यूब्स में वायल्स में ब्लड लिया जाता है और इसमें हम डबल स्पिन सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और सेंट्रीफ्यूज भी नॉर्मल नहीं होता, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम इसमें से 2 to 3 ml प्लाज्मा बनाते हैं। ये प्लाज्मा प्लेटलेट रिच भी होता है, एक प्लाज्मा प्लेटलेट पुअर होता है। तो हम प्लेटलेट रिच वाले प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, इसमें एक्टिवेटर मिलाते हैं और 10 मिनट्स के लिए फिर से रख के फिर हम पेशेंट्स के स्कैल्प में इस प्लाज्मा को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसमें हम डर्मा रोलर की हेल्प से, इसको डर्मा रोलर होता है, इसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं और इस नीडल्स को हम इसके ऊपर चलाते हैं। सिंपली इसको हम डर्मा रोलर को स्कैल्प के ऊपर चलाते हैं और ऊपर से प्लेटलेट प्लाज्मा की ड्रॉप्स डालते रहते हैं। तो इन होल्स से, जो होल्स हम इसे क्रिएट करते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ होल्स बनते हैं, उनके थ्रू हम इस प्लेटलेट प्लाज्मा को इनकॉर्पोरेट करते हैं। यही काम हम सिंपल नीडल से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल होता है, इसमें पेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस स्टेप से हम 30 डेज में एटलीस्ट 6 to 8 times प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ जो भी यूजुअली 6 to 8 months का होता है, ये भी हम 6 to 8 times कर सकते हैं। तो इससे हम पेशेंट को बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो काम हम करते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन से, उससे जितनी ग्रोथ आती है यूजुअली उससे 20 to 30% ग्रोथ आती है। एडिशनल 20-30% ग्रोथ हम इससे ले सकते हैं उन बालों में जहाँ पर पहले से फॉलिकल्स हैं और जहाँ फॉलिकल डैमेज हैं या वो कम डेवलप हुई हैं। ये था PRP के बारे में ईजी 5 वर्जन, क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारी मिथ थी PRP के बारे में, तो इससे हम PRP के बारे में बहुत सारे डाउट्स में क्लियर कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड एनी फर्दर क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द लाइब्रेट वेबसाइट।